हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यानी कि आरपीएफ की भर्ती जो है 2024 का, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बम्पर भर्ती निकली हुई है, केवल 10th पास इसमें मांगा गया है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने 10th पास कर रखा है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है और उसको ऐसा रेलवे में पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिलने वाली है, जो कि अपने आप में जो नॉर्मल जो एक कांस्टेबल होता है स्टेट में उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर जॉब होती है। ठीक है, ये मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में हम आवेदन तिथि देखेंगे यानी इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुए, एज क्या रखी गई, योग्यता क्या मांगी गई, फिजिकल मेडिकल एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी एवं जॉब प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, पूरी ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यह है पूरे नोटिफिकेशन इसका जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डिटेल नोटिफिकेशन है इसके लिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए पेन को थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस, आरपीएफ 2/2024। ये 2/2024 का नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पूरा पिक्चर्स वगैरह है किस तरीके से यहाँ पर रेलवे आरपीएफ की जॉब होती है। ये आरपीएफ है, ये ऐसे एसआई है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, आरपीएफ को इस तरीके से वर्क भी दिया जाता है, जो आपके पैसेंजर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए भी यहाँ पर ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। बाकी जो आपके ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर वो गश्त करने के लिए आपकी ड्यूटी होती है। ये देखिए, रेलवे में चेकिंग के दौरान एसआई वगैरह, आरपीएफ के कॉन्स्टेबल वगैरह दोनों यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस नंबर आरपीएफ 2/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की फोर्स हैं, एक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एक है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंतर्गत भी आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। ठीक है, इसकी ओपनिंग डेट कब की, यानी कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 15 अप्रैल यानी कि कल की डेट से आप इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 14 मई, यानी पूरा एक महीना आपको दिया जा रहा है इसका फॉर्म भरने के लिए। ओके, चलिए, अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने हैं तो वो आप 15 मई से लेकर 24 मई के बीच इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ओनली, तो केवल ऑनलाइन माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जाके या अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, पोस्ट कौन सी है, तो पोस्ट है कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की। पे लेवल क्या रहेगा, तो लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है। इसमें जो इनिशियल पे मिलेगा आपको 21,700 रहने वाला है, बट इन हैंड जो सैलरी मिलेगी आपको इससे कहीं बेहतर मिलने वाली है। ये केवल आपका इनिशियल पे है, बेसिक पे है, अभी आपको बताऊंगा कि कितना पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 रहेगा। ये जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये कैटेगरीज होती हैं रेलवे के, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका जो मेडिकल है वो लिया जाता है। मेरा मेडिकल किस तरीके से हुआ था वो भी आपको बताऊंगा, और कॉन्स्टेबल का मेडिकल किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारा आपको आगे आने वाली वीडियोज में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, एज की गणना कब से की जाएगी, तो 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2024 से एज की कैलकुलेशन की जाएगी, और 18 से 28 साल इस बार एज मांगी गई है। वैसे जो नॉर्मली जो होती थी वो 28 से 25 साल होती थी, बट इस बार इन्होंने 18 से 28 साल एज रखी गई है, यानी कि 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिला है। टोटल वैकेंसी मिलाकर बताएं कि ऑल आरआरबीज में कितनी वैकेंसी निकली है, तो कुल 4208 बम्पर भर्ती निकली है। अभी आपको कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जो 3 साल का रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो पहले 18 से 28 वाला जो 3 साल का रिलैक्सेशन है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इसके मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए आपको टेस्ट बुक पर जाएंगे, तो टेस्ट बुक पर आपको देखिए इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल
मॉक टेस्ट सीरीज 2024 न्यू। इसमें टोटल आपको 663 जो है टोटल टेस्ट मिल जाते हैं, जहां पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, 216 चैप्टर टेस्ट होंगे, 47 जनरल साइंस के टेस्ट होंगे, ठीक है, इसके बाद 30 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 30 फुल टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे इसके 2018 में और उससे पहले जो पेपर होते हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको प्रो वाला वर्जन ले लीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, जैसे कि पास प्रो के अंतर्गत आपको, पास प्रो के अंतर्गत आपको क्या क्या मिल जाता है, तो टेस्ट बुक के पास मिल जाते हैं, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है, और 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, और लाइव टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो मिलते हैं। इसमें मंथली पास 333 का है और ईयरली पास आपको 377 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से परचेज करना है, आप इसका ऐप डाउनलोड कर देना, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और आपसे कूपन कोड मांगेगा तो V1NW47 डाल देना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ऐसा ही नहीं है, इसमें RPF जो SI है वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं ना, 18,000 से ज़्यादा एग्जाम, सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्दी जाइए, इसे परचेस कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फॉर प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, यानी कि आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपके पास जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, यानी कि जो आपको यहाँ पर कितना दिया गया था ऊपर दोस्तों, यहाँ पर जो 14 मई यहाँ पर दिया गया ना, 14 मई, 14 मई तक आपके पास जो 10th पास का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है 10th तक, तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब नीचे देख लेते हैं कि क्रूशियल डेट क्या है। SC ST का जो सर्टिफिकेट आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो क्रूशियल डेट, अगर आपको SC ST का बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपका जो कट ऑफ डेट जो होगी, लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट, यानी 14 मई तक आपके पास SC का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि डिटेल फील्ड्स इन दी सेंटर क्रिएट ऑन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो कि आपका पर्सनल हो और आपका अच्छे से बना हुआ हो, आप भूले ना उसको, ठीक है, अच्छे से डालना, क्योंकि एक बार अकाउंट बन गया तो बार बार बाद में उसमें चेंजेस कोई भी नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, इफ कैंडिडेट विशेष टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल फिल एंड क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ही शी मे डू डू सो बाय पेइंग अ मॉडिफिकेशन फी ऑफ 250 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी फॉर ईच ओकेशन फॉर 15 मई से लेकर 24 मई के बीच, आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो आपकी जो अकाउंट बनेगा उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, बट जो आपने फॉर्म भरा है उसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं वो, तो आप उसे 15 मई से लेकर 24 मई तक 250 रुपये की फीस पे करने के साथ साथ उसकी जो करेक्शन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज क्या रहेगी, यानी कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, किस 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 जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर उसके CBT में जो आपके नंबर आएंगे उसके बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जो बच्चे बुलाए जाएंगे 10 टाइम्स यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है 4208, तो 42,000 के करीबन यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 42,000 के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर वो जो बच्चे जैसे फर्स्ट राउंड में उनको प्रॉपर बच्चे नहीं मिलते, मान के चलिए 1,000 जगह खाली हो जाती है, तो फिर से एक इस 1,000 पर 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर शॉर्टफॉल होता है इन केस, है ना, जो बच्चे चाहिए वो 10 टाइम फिर से जितनी वैकेंसी बचेंगी उसका 10 गुना फिर से बच्चों को, यानी कि सेकेंड टाइम भी जो बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम थे उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर, कहाँ से तैयारी करें, सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वाले जो टेलीग्राम है हमारे, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यह आपका ऊपर लिखा हुआ है द एग्जाम हेल्पर, 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। पेपर वगैरह, कट ऑफ वगैरह का सारा डिटेल यहीं पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या आगे आने वाली जो भी अपडेट होगी सारी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जो आपका पेपर होगा उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की, ठीक है। एक मार्क्स अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन, तो 1/3 आपका जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। अगला है कैंडिडेट हु सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN विल समरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिवाइड फ्रॉम ऑल फर्दर एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, एक से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन नहीं भरनी है, अगर ऐसा आप करते पाए गए तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है RRBs के द्वारा, ठीक। चलिए अगला है सिग्नेचर जो आप भरेंगे वो ध्यान रखना,
हैंड राइटिंग जो होगी आपकी सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक या कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर में मत भरिएगा, रनिंग हैंड राइटिंग में भरिएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कुछ भरिएगा, ठीक है। मतलब जो आपके नॉर्मल होते हैं ना, कोई नाम लिख देते हैं, मान के चलिए मेरे नाम है राहुल, तो कोई ऐसा सीधा नाम लिख देता है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कुछ अलग तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अगला अगला है कि वैकेंसी इंडिकेटेड इन द सीएनआर प्रोविजनली एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। और वैकेंसी को भविष्य में बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या इवन इसको जीरो भी किया जा सकता है, ये पूरा रेलवे के पास अधिकार है, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है इसके जो वैकेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए अगला है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एंड ओनली स्टिपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग पीरियड होगी, 6-8 महीने का ट्रेनिंग होता है, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, और उस दौरान केवल आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि जो 21,000 जो 700 रुपये वहाँ पर लिखे थे वो मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मिलेगा, यानी 25,000 या 26,000 के करीबन आपको ये अमाउंट मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। और फिर उसके बाद जो आपकी सैलरी एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो अभी आपको आगे बताऊंगा कि कितनी हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 1.15 की, सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल एग्जीक्यूटेड सिक्योरिटी एंड और इंडेमेंट बॉन्ड वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। तो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको देना पड़ सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। पोस्टिंग्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एम्पैनल्ड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अ जोन फॉर आरपीएफएस एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट। यानी कि जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक जोन यहाँ पर अलॉट किया जाएगा कि किस जोन में आपकी भर्ती। अभी केवल आपको फॉर्म भरना है, कोई जोन सेलेक्ट नहीं करना है, वो जब आरपीएफ के द्वारा जब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब हो जाएगा तब उस समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी मिलती है, जो कि SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको फ्री जो ट्रेन का पास होता है वो यहाँ पर दिया जाता है जब आपका एडमिट कराता है उसके साथ में, ठीक है। चलिए अगला वैकेंसीज की बात कर ले तो वैकेंसी नीचे दे रखी है और बड़ा घटा सकते हैं। स्टैंडर्ड और मेडिकल फिटनेस मैंने बताई दिया कि कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DB विल हैव टू पास रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1 एज प्रिस्क्राइब्ड द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, ठीक है। और जिसमें आपका क्या होना चाहिए, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, अगर आपके फ्लैट फुट है तो अलाउड नहीं किया जाएगा, नोकनी की दिक्कत है तो नहीं किया जाएगा, स्क्विंट आइज है तो नहीं किया जाएगा, कलर आप पहचानने में दिक्कत करते हैं, कलर की ब्लाइंडनेस है एंड अदर बॉडीली इन्फॉर्मिटीज है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना वो उन कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और जो आपका मेडिकल होता है ये आपको खुद से नहीं कराना पड़ता है, ये रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पर रेलवे आपको खुद भेजती है और वहीं पर आपका जो पूरा टेस्ट वगैरह है वो सारा कुछ कंडक्ट कराया जाता है। मेरा किस तरीके से हुआ था वो बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, वैसे जो नॉर्मल एज होती थी वो 18 से 25 साल होती थी, ठीक है, बट इन्होंने जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है तो अब इसकी जो एज है वो 18 से 28 साल कर दी गई है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उन कैंडिडेट उनको 3 साल का मिलता है, वहीं एक्स सर्विस मैन में आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी फीमेल कैंडिडेट वो आर विडोड वगैरह हैं, डाइवोर्स वगैरह हैं, तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। डेट ऑफ बर्थ बात करें किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, तो जो भी ग्रुप 18 से 28 में आता है तो UR एंड अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 2 जुलाई 1993 से लेकर 1/7/2006 के बीच होना चाहिए आपका जन्म, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 2/7/91 से लेकर 1/7/2006 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस क्या रखी गई है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड कैटेगरी मैंशनड बिलो, अगर जो ऑल कैंडिडेट हैं UR OBC EWS को, उनको 500 रुपये फीस मिले, यहाँ पर फॉर्म भरना होगा, 500 रुपये का आपका फॉर्म रहेगा और 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। कब रिफंड किए जाएंगे, जब आप इसके CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें आप अपियर होते हैं, उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद फाइनल प्रोसेस जब हो जाएगी तो आपके 400 रुपये यहाँ पर वापस कर दिए जाएंगे, मात्र 100 रुपये यहाँ पर फीस आपकी ली जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और है ना EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको केवल 250 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और ये आपके शायद रिफंड हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपके रिफंड होते हैं, इसमें से कुछ 100-150 रुपये कुछ रिफंड होते हैं आपके, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आपको नेम ऑफ बैंक देना पड़ेगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 400 रुपये और 250 रुपये यहाँ पर रिफंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है, देखिए
यहाँ पर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जब आप फॉर्म भर देंगे, फिर आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, दूसरे बार आपका क्या होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका दौड़ कूद लॉन्ग जंप हाई जंप चेस्ट ये देखा जाएगा, और मेजरमेंट जो टेस्ट होगा उसमें हाइट और चेस्ट को आपका नापा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसको किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी इस प्रकार है। टोटल ड्यूरेशन आपके 90 मिनट की होगी, जिसमें 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 120 मार्क्स ही आपके होंगे, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के ही होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है ना। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं इसमें, ठीक है। वहीं मिनिमम पासिंग मार्क्स जो यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेकर 35%, एससी एसटी के लिए 30% नॉर्म जो मिनिमम मार्क्स है वो होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस ऑफ सीबीटी क्या रखा गया है, तो सिलेबस यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स जो रहेगा उससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। तो ये मैं नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ से जाके आप जो 9 नंबर पेज है वहाँ पर इस सिलेबस को देख सकते हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, और जीए की तैयारी आपको मेरे द्वारा की जाएगी। तो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मेरा सेकेंड चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर जीके, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से या यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी रेलवे के लिए, ओके। तो उसको ज्वाइन जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने किस तरीके से क्लियर किया था पहली ही बार में रेलवे का, मैं रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंटेड हूँ, ठीक है, जो कि एक लेवल 5 की जॉब होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा। तो वही मैंने बोला कि 10 गुना जो बच्चे हैं यहाँ पर बुलाए जाएंगे। क्या क्या होगा फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें क्या क्या होगा, तो अगर आप मेल मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग की जाएगी, जो कि आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की रहेगी, हाई जंप आपकी 4 फीट की रहने वाली है। वहीं अगर आप एक फीमेल हैं तो 800 मीटर की दौड़ होगी 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की, हाई जंप होगी 3 फीट की, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो जैसे कि यू आर ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस, हाइट की बात कर ले तो 165 रखी गई है, और फीमेल के लिए यहाँ पर 157, एस सी एस टी के लिए 160 और 152 हाइट रखी गई है, ठीक है। वहीं बात कर ले कि अगर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड यानी कि 80 से 85, 80 बिना फुलाए और 85 फुला के। वहीं अगर आप एस सी एस टी से हैं तो 76.2 बिना फुलाए और फुला के 81.2 आपकी हाइट चाहिए। बाकी आप इन जगह से बिलोंग करते हैं तो आपका क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार होने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो आपका पीटी और पीएमटी होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा केवल सीबीटी यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके आधार पर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। कहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो लिस्ट ऑफ आरआरबी की वेबसाइट है ये, जिसमें अहमदाबाद आरआरबी है आपका, चेन्नई है, मुजफ्फरपुर है, अजमेर है, गोरखपुर है, पटना है, बेंगलोर है, गुवाहाटी है, प्रयागराज है, भोपाल है, जम्मू श्रीनगर है, रांची है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, मालदा है, सिलीगुड़ी है, चंडीगढ़ है, मुंबई है और तिरुवनंतपुरम है। तो इतने सारे बोर्ड्स के तहत आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इतने सारे जो बोर्ड हैं उसके तहत आपको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जाने वाली है, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए रह गया है। देखिए यहाँ पर वैकेंसी की हम बात कर रहे थे कि वैकेंसी किस किस तरीके से निकाली गई है, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है। मेल के लिए बात करें तो यूआर की है 1450, एससी की है 536, ठीक है, एससी की है 536, एसटी की है 268 वैकेंसी, ओबीसी की है 9666 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की है 357 वैकेंसी। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 3577 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है मेल के लिए। फीमेल के लिए टोटल 631 है, जिसमें यूआर की 256, एससी की 95, एसटी की 47, ओबीसी की 170 और ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं 420 जो वैकेंसी है इन्हीं वैकेंसी में से रिजर्व रखी गई है किसके लिए, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, बाकी ये सारे आपके फॉर्मेट्स वगैरह। अब देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशंस क्या होती है इसकी, ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और सैलरी कितनी मिलने वाली है।
बात कर ले बेसिकली जॉब प्रोफाइल की, क्या क्या काम आपको दिया जा सकता है। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी जो है वो रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी का काम होता है बेसिकली, आपने देखा होगा, आप कई बार गए होंगे तो स्टेशन पर काफ़ी बार जो RPF के जो कॉन्स्टेबल है वो खड़े रहते हैं, और जो आने जाने वाले यात्री होते हैं उनकी देख रेख करते हैं, मतलब उन पर नज़र बनाए रखते हैं कि कोई कुछ अन्य गतिविधि जो गलत गतिविधि है वो तो नहीं कर रहा है। इवन कोई ट्रैक पर चल रहा है तो उसको रोकना कि ट्रैक से हट जाओ भाई, ट्रेन का आ रहा है ना, उनको रोकना, रिस्ट्रिक्शन करना। पार्सल जो होते हैं, पार्सल आ रहा है वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगती है, पार्सल जो होते हैं आपके वहाँ पर, ठीक है, इवन एंट्री गेट्स जो होते हैं आपके वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है वो लग जाती है। इसके अलावा रेलवे के अंदर जो रेल जो आपकी चलती है, यानी कि जो ट्रेन आपकी चलती है उसके अंदर भी आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है, ट्रेन के अंदर आपकी ड्यूटी रहती है, जो कि आपकी ज़्यादातर रहेगी, जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसमें आपकी ड्यूटी रहती है, वहाँ पर आपको तैनात रहना पड़ता है TI के साथ में, क्योंकि कोई ट्रेन में बदतमीजी करता है तो उस समय आपको ये देखना पड़ता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपके जो वो होते हैं स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है, उसमें भी लिखा पढ़ी का काम वगैरह करना पड़ता है, टाइपिंग का काम भी आपको दिया जा सकता है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एक आपका 139 करके रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है वो होता है, तो वहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आपको जाके रेल के अंदर ट्रेन के अंदर उसकी मदद करना पड़ती है एट ए टाइम। इसके अलावा आपकी जो ड्यूटी है, जो आपका DRM ऑफिस होता है वहाँ पर भी लगाई जाती है कॉन्स्टेबल की ड्यूटियाँ, जैसे कि आपके DRM साहब हो गए, उसकी उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसमें लगा सकते हैं, उनके घर पर आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो DRM में भी एक RPF का ऑफिस होता है वहाँ पर भी आपको ऑफिशियल जो वर्क होता है कागजों से रिलेटेड वो आपको दिया जा सकता है। तो मल्टीपल जो जॉब्स हैं RPF के अंदर, मल्टीपल जगहों पर आपको जॉब दी जा सकती है, तो क्योंकि रेलवे आपको मालूम है बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो आई होप आप समझे होंगे कि जॉब प्रोफाइल में किस तरीके से काम यहाँ पर होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी आपको जो सैलरी है वो कितनी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है पर मैं आपको इसको लेटेस्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बेसिक पे ये क्लास 1 से, ठीक है, बेसिक पे है ये क्लास A सिटी है, यानी कि 21,700, ये क्लास B सिटी 21,700, क्लास C में भी ये यही बेसिक पे सेम रहता है, बाकी आपका जो ये जो HRA वगैरह होता है ये यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए HRA वगैरह जो होता है ना वो आपका यहाँ पर कम हो जाता है, DA भी वही रहता है आपका। तो जैसे 21,700 है और अभी DA कितना कर दिया, 50%, यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा लगभग कितना हो जाएगा, 21,000 का 10,500, 10,000 लगभग 800 के करीबन आपका ये बैठेगा ना, 10,800 रुपये आपके यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो 10,800 यानी कि 21,000 में 10,000, 11,000 मान लो आप, तो इसको 22 मान लो और चलो उसको 10 मान लो, 22 और 10 कितने का 32। 32 के बाद आपको HRA जो मिलेगा एक सिटीज में, अब वो हो गया आपका 30%, तो बेसिक का 30%, बेसिक का यानी कि 21,000 का, तो 21 दिया 63, यानी कि लगभग लगभग आपको 6,500 रुपये, तो 32,000 प्लस 6,500 यानी 3,268, 38,500 ये हुआ है। इसके बाद TA आपको मिलता है 3,600, तो यानी कि 40,000। तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी इस समय बनने वाली है, ठीक है, इस समय जो ग्रॉस सैलरी बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बनेगी भाई, आपकी जो सैलरी बनेगी ना, देखिए सैलरी, ठीक है, ये मैं X सिटी का बता रहा हूँ, X सिटी में आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग लगभग 40 से लेकर 42 के अराउंड बनने वाली है। वहीं आप 22 सिटी में जाएंगे तो यही जो आपकी होगी 38 से 40 के बीच बनेगी, और Z सिटी में चले जाएंगे तो यही जो सैलरी आपकी 34 से 36 के अराउंड आपकी बनने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि लेवल 3 की ये जॉब होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वीडियो का PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।